हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं लेमन लाइम फिलोडेंड्रोन प्लांट पर। कुछ लोग इसे सिलोन गोल्डन फिलोडेंड्रोन के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसकी लीव्स का कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर है। और जो इसकी न्यू लीव्स हैं और इसकी जो मैच्योर्ड लीव्स हैं, इन दोनों के कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम आज इस प्लांट के बारे में। तो इस प्लांट से संबंधित हमें पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम आज की इस वीडियो की ओर। तो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ लोग इसे लेमन लाइम के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इस प्लांट को सिलोन गोल्डन फिलोडेंड्रोन के नाम से भी जानते हैं। तो वैसे तो फिलोडेंड्रोन की काफ़ी सारी वैरायटीज आपको नर्सरीज में मिल जाएंगी। इसकी वेरीगेटेड जो है, फिलोडेंड्रोन की वेरीगेटेड जो लीव्स वाला प्लांट है, वो भी आपको मिल जाएंगे नर्सरी में। तो अगर हम इस प्लांट की प्राइस की बात करें, तो प्राइस आपको प्लांट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। कई बार अगर प्लांट छोटा है तो वो 100 रुपीज़ में भी मिल जाता है, और कई बार प्लांट की अगर ग्रोथ अच्छी है तो वो आपको 200 to 250 में भी मिल जाता है। तो गाइस, अब सबसे पहले हम इसका ग्रोइंग पीरियड जान लेते हैं कि ये किस समय में ग्रोथ अच्छी करता है। तो ये समर में ग्रोथ इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लेकिन जो विंटर के 3-4 महीने होते हैं, वो इसके डोरमेंसी का टाइम होता है, रेस्ट पे होता है उस समय ये प्लांट। जैसे कि फिलोडेंड्रोन बिरकिन प्लांट है, वो भी इसी तरह है। अभी जो जब सर्दी स्टार्ट होगी, तो ये प्लांट जो है वो रेस्ट पे होंगे। ये इनकी डोरमेंसी का टाइम होगा। जो इसकी न्यू लीव्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका जो कलर है, कलर इसका ब्राइट कलर है ना। तो मीन्स की नियॉन कलर बोल सकते हैं, या फिर जो इसकी पुरानी वाली मैच्योर लीव्स होती हैं, उनका कलर अगर हम देखें तो उनका कलर डार्क ग्रीन हो जाता है। तो इसके कलर, जो इसका कलर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो इसका कलर की वजह से ही मे बी इसको लेमन लाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। और इसी के साथ ही अगर इस प्लांट को ब्राइट लाइट अच्छी मिल जाती है, तो भी ये प्लांट इजीली ग्रो हो जाता है। अगर मीडियम लाइट में भी वैसे ये प्लांट चल जाता है। और इसी के साथ ही आप इसे शेडी एरिया में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना आपको। अभी मैंने कुछ दिन पहले इस प्लांट को ना डायरेक्ट सनलाइट में, मीन्स कि सभी प्लांट्स की जो है जगह चेंज की थी, तो उसकी वजह से जब ये प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में गया, तो इसकी आप देख सकते हैं जो पत्तियां हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम रही मेरे प्लांट के साथ, लेकिन अभी मैं इसको फिर से इसकी जो जगह है वो चेंज कर दूंगी, ताकि इस प्लांट की लीव्स जो है वो ख़राब ना हो। इसके साथ ही गाइज, अब हम बात कर लेते हैं इस प्लांट की प्रोपोगेशन के बारे में। तो प्रोपोगेशन भी आप इस प्लांट की ईजिली कर सकते हैं। मैंने फिलोडेंड्रोन बिरकिन प्लांट की प्रोपोगेशन आपके साथ शेयर की है, तो इस प्लांट की जब मैं प्रोपोगेशन करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पानी में भी चल जाती है इसकी कटिंग्स, और मिट्टी में भी इजीली ग्रो हो जाता है। तो आप एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसी के साथ ही जो आप इसकी न्यू वाली ग्रोथ देख सकते हैं, न्यू ग्रोथ भी इसकी, इस प्लांट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो गाइस, अगर हम इस प्लांट के बात करें कि इस प्लांट को सपोर्ट देकर आपको ऊपर लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि जो फिलोडेंड्रोन बिरकिन प्लांट है, वो इजीली जो है वो खुद ब खुद ऊपर की ओर रहता है, लेकिन ये इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा, हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसको एक स्टिक लगाकर, या फिर आपको इस प्लांट को सहारा देकर ही इस प्लांट को अच्छे से खड़ा करके रख सकते हैं। अदरवाइज आपका प्लांट जो है वो ख़राब होने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि शेड में भी चल जाता है, मीडियम लाइट में भी चल जाता है, क्योंकि इसको शेडी एरिया पसंद है, डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करें इस प्लांट के लिए। और इंडोर में जो अगर आपने रखा है, तो अगर आपने लो लाइट में रखा है, तो वहाँ पे भी वैसे तो ये चल जाता है, लेकिन इसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितनी इसके ब्राइट लाइट में ग्रोथ अच्छी होती है। तो आप ब्राइट लाइट में, या फिर आप इसको मीडियम लाइट में रखें, यहाँ जैसे खिड़की के आसपास रखें, जहाँ से इसको फ्रेश हवा और इसको जो है लाइट मिलती रहे, ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। इसी के साथ ही
अगर आपने किसी ऐसी जगह से पर रखा है कि आपके प्लांट को एक ओर से धूप मिल रही है, लाइट मिल रही है, दूसरी ओर से नहीं, तो आप इसको डेली रोटेट करते रहिए। रोटेट करने से क्या होगा, जब आप इस तरह आप अपने प्लांट को रोटेट करेंगे ना, तो क्या होगा कि चारों ओर से इसको लाइट मिलेगी। जब इसको चारों ओर से लाइट मिलेगी तो इसकी ग्रोथ जो है वो भी चारों ओर से होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी सोयल जो है वो आपको कैसे बनानी है। तो सोयल आपको इस प्लांट की ऐसी बनानी है जैसे कि आप इसमें रिवर सैंड लें, गार्डन सोयल लें, कोकोपीट भी इसमें इसकी मिट्टी में डालें, क्योंकि ये प्लांट जो है इसको मॉइस्चर अच्छा लगता है। तो ये ऐसी मिट्टी आपको बनानी है जो मॉइस्ट होल्ड करके रख सके। तो आप इसमें गार्डन सोयल, रिवर सैंड, कोकोपीट एंड काउडंग, चारों चीज़ें ऐड करें और इसकी जो है वो मिट्टी बनाएं। मिट्टी मॉइस्ट भी रहे और वेल ड्रेन भी होनी चाहिए, पानी मिट्टी में ठहरना नहीं चाहिए। मिट्टी सोगी होगी तो प्लांट खराब होगा, अगर मिट्टी मॉइस्ट होगी तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बंद कर दो, दो मिनट। तो गाइस हमने बात की अभी मिट्टी के बारे में, अभी हम बात कर लेते हैं इस प्लांट को आपको पानी कितने दिन में देना है और कितना पानी देना है। तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जो इसकी मिट्टी है वो ऐसी बनानी है जो मॉइस्चर होल्ड करके रखे, और इस प्लांट को नमी पसंद है, ह्यूमिडिटी पसंद है, तो आपकी मिट्टी जो है, मिट्टी में पानी कुछ ठहरना नहीं चाहिए, लेकिन इस जो है मिट्टी में पानी ठहरना नहीं चाहिए लेकिन मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, है ना। तो जो पानी है, पानी आपको इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी और अंडर वाटरिंग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ज़्यादातर प्लांट्स जो है फिलोडेंड्रोन के ओवर वाटरिंग के कारण ही खराब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। लेकिन आपको इसको अंडर वाटरिंग वाटर भी नहीं रखना, क्योंकि जब इसकी मिट्टी ड्राई होगी, इसको ड्राई मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जब इसकी मिट्टी ड्राई होगी तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, मे बी वो तभी भी खराब हो सकता है मिट्टी की ड्राइनेस की वजह से। तो जैसे अगर इस प्लांट को मैं फर्टिलाइज़र की बात करूँ, तो फर्टिलाइज़र आप फरवरी में और सितंबर मंथ में दे सकते हैं, काउडंग या फिर आप जो कोई और खाद देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अपने प्लांट्स को काउडंग ही देती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप महीने में एक बार दे सकते हैं, काउडंग हो या फिर अगर आप इसको वर्मी कंपोस्ट है उसको भिगोकर एक रात के लिए छोड़कर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप इस सभी प्लांट्स में दे दें तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी रहती है। अभी हम बात कर लेते हैं इस प्लांट को इंडोर रखने का क्या फ़ायदा है। इंडोर रखने का फ़ायदा ये है, क्योंकि ये प्लांट एयर प्योरीफाई प्लांट है, तो इस प्लांट की जो है हम जो हमारे इंडोर में जो भी टॉक्सिक होते हैं ना, उनको बाहर धीरे धीरे से बाहर निकालने में ये हमारी हेल्प करता है। तो आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इस प्लांट की एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको इसको सहारा देकर रखना पड़ता है। ये प्लांट जो है वो मनी प्लांट की तरह है, और इससे मनी प्लांट की तरह ही आपको इसको भी सहारा देना पड़ता है। तो ओवरऑल ये प्लांट दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, अगर आप इसकी अच्छे से केयर करते हैं तो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जो इसकी जो न्यू लीव्स आती हैं जिनका कलर थोड़ा सा अलग रहता है, वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। तो ओवरऑल मेरा इस प्लांट के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं भी मैंने इसकी वीडियो में भी आपके साथ शेयर भी की है, जब मैंने इसको पोट में लगाया था तो मैंने अपनी मिट्टी में कोकोपीट को नहीं डाला। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो आप उसमें कोकोपीट ज़रूर डाल लें, अगर आप मिट्टी बिल्कुल ठीक है तो आप उसमें कोकोपीट अगर नहीं डालते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको पानी इसको रेगुलर बेसिस पे देना है जब भी आप अपने प्लांट्स को देते हैं। लेकिन इंडोर अगर आपने रखा है ना, तो आपको इसकी लीव्स को डेली साफ़ करना होगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे इस प्लांट की जो लीव्स हैं बिल्कुल साफ़ हैं, है ना। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपने इंडोर रखा है तो आपको इसको कपड़े के साथ जो है वो पानी लगाएं, और उसमें दूध भी आपको थोड़ा सा डाल लेना है, और इन सभी को मिक्स करके आपने क्या करना है कि कपड़े के साथ इसको साफ करना है। अगर आपने आउटडोर शिफ्ट किया है तो आप इस पे पानी की मिस्टिंग करते रहें, क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जितना ज़्यादा आप इस प्लांट की केयर करेंगे उतना ज़्यादा ये हरा भरा रहेगा। लेकिन मेरा प्लांट अभी धूप में रखने की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, तो अभी मैं इसकी प्लेस आज फिर से चेंज कर दूँगी। तो गाइस उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो गाइस मिलते हैं अपने ऐसे ही किसी अगली वीडियो के साथ।